आ गया समय अब आप सभी का दोस्तों, आ गया समय आप सभी का। सभी का मतलब जितने भी रियल इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में, जो अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई को कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए समय आ गया दोस्तों। और ये समय 18 साल बाद ये समय आ गया है आपके पोर्टफोलियो जो आज बनाएंगे, आने वाला समय में 100% हकीकत रियल वास्तविक जो कंपनी है जो देश में काम कर रही है, और देश ही नहीं विदेशों में काम कर रही है दोस्तों, और उनका बजने वाला है बैंड जो हमने एक महीना पहले ही आप सभी को बताए थे 100%। अगर आप फॉलो कर रहे हैं और आप जब सब्सक्राइबर हैं, बेल आइकन घंटी दबाए रखे होंगे, तो नोटिफिकेशन में आपको एक महीना के आसपास लगभग हमने बताया था दोस्तों, जो देश में बैठे लोग विदेशों में अपने आदमी को बैठाकर और जो इन्वेस्ट कराते हैं इंडिया में, उनकी पिछवाड़े पे पड़ना शुरू हो गया है। और आप देख लीजिए, भारत के जो प्रवर्तन निदेशालय है जिसको ईडी बोलते हैं दोस्तों, जी हाँ नहीं जानते तो जान लीजिए, 3 महीने में 2000 करोड़ दोस्तों एक आम आदमी की जिंदगी का खेल ऊपर वाले ने जो लिखता है वो ये, सोने चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए और हीरे मोती के खिलौनों से खेलने वाले लोग ये देश के लोगों के साथ जो किए, अब उनकी धजिया उड़ने वाली है दोस्तों। देर होता है अंधेर नहीं होता है, और कहावत है कि होनहार बिरवान के होते चिकने पात। किसी वृक्ष के, किसी नर्सरी के पौधे को जब बीज लगता है और उसकी पत्ते जब निकलते हैं मिट्टी में से, उसी समय पता चल जाता है कि ये एक बहुत अच्छा स्वस्थ पौधा होगा और आने वाले समय में लोगों को अच्छा फसल, अच्छा फल, अच्छा सब्जी, जो भी वो पौधा बीज होगा, जिस चीज़ का बीज होगा वो पौधा आएगा तो अच्छा देगा। और वो देर होता है अंधेर नहीं होता है, कहने का मतलब शेयर मार्केट में दोस्तों, सिर्फ कभी भी एक बात जान लीजिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी एनालिसिस्ट है, कोई भी जिनको 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट, और सिर्फ ये शेयर ले लो वो शेयर ले लो ऐसा बताने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनको ज़रूर आप सुनिए जो आपको कुछ कहानियाँ, कुछ मुहावरे, कुछ उदाहरण बताते हैं, उससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस पूरी कहानी और मुहावरा और उदाहरण से आपको क्या मिला जो उनसे नहीं मिलता, जो सिर्फ बताते हैं ये शेयर ले लो वो शेयर ले लो, ये पैनी शेयर ले लो, ये मल्टीबैगर होने वाला है। तो 100% मैं जो बता रहा हूँ आपको कि स्टॉक मार्केट में आ गया समय, और ये समय 18 साल बाद आ रहा है दोस्त। अगर आपको स्टॉक मार्केट में आए हैं अपनी कमर कसकर और लगभग 1 साल हो गया है स्टॉक मार्केट में, तो चलिए इस वीडियो में बता देता हूँ, आप 2 काम कर लीजिए। ज़िंदगी में कभी नुकसान हो गया
तो इंटर डीटेक मुंबई MBA BK सिंह के चैनल को आप अनलाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिख कर जाइएगा कि सर आपने बताया तो था लेकिन आज ये हाल हो गया इस स्टॉक का। और एक बात और ज़रूर इसको ये भी ध्यान में रखिए कि जो मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ, जो कमिटमेंट करता हूँ, जो कमिटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो भी अपनी डायरी में लिख लीजिए। कुछ भी हो जाए 2000 जो स्टॉक का नाम मैं बताने वाला हूँ 2025 के पहले नहीं बेचेंगे, ये भी हमारा टर्म कंडीशन है। जो मैं शेयर बता रहा हूँ ये शेयर 2025 से पहले जो नहीं बेचा करोड़पति अरबपति खरबपति बन के रहेगा 100%, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। अब रह गया कि गारंटी बॉन्ड पेपर पे, कुछ लोग कहते हैं कमेंट में करते हैं कि बॉन्ड पेपर लिख के दीजिए। अरे दोस्तों डॉक्टर के पास जाते हैं आप, मैं आपको लोअर कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दूंगा, अगर हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की बात करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली बात करते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर बड़े से बड़े हॉस्पिटल अगर आप किसी मरीज को किसी पेशेंट को लेके जाते हैं कोई भी रोग हो, अगर वो डॉक्टर या हॉस्पिटल लिख के दे देगा कि नहीं 100% ये हम ठीक कर देंगे, अगर नहीं ठीक हुआ तो हम इसका हर्जाना देंगे अगर इसको कुछ भी हो गया तो। अगर इस तरह का कोई लिख देता है दोस्तों तो हमारे कमेंट में लिख दीजिए और हमारे पूरा एड्रेस है इस चैनल का उस पर मेल कर दीजिए और मेल है intradaytechmumbai@gmail.com, उसमें भेजिए उस डॉक्यूमेंट्स को और फिर मैं आपको क्या दूंगा आप सोचे भी नहीं होंगे, ना कभी कोई दे सकता है और ना कोई देगा। रह गया दोस्तों आशा है अगर आपको विश्वास है तो हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ संभव है और आप जैसा सोचेंगे वैसा जरूर पाएंगे। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत अनुभव है लगभग 30 सालों की। जी दोस्तों जब मैं 13-14 साल का था तब से हमने एक ही लाइन में अपने दिमाग को बार बार रिपीट करते, हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि 2-4-10 बार भाई नरू मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही बनूंगा, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे, मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही बनूंगा, मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही बनूंगा, मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही बनूंगा। ये हम आज से नहीं 13-14 साल की उम्र से ही आपको, तब ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। क्योंकि जब सोचते हैं दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक बात बता, जब सोचते हैं तो उस जो मेमोरी है आपकी है उस पर एक लकीर उस पर एक निशान बनते जाता है, मैं जैसा सोचूंगा मैं वैसा ही बनूंगा, मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही बनूंगा। तो कोई भी जब ये मेमोरी बनता जाएगा उस परत पर परत चढ़ती जाएगी तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस धरती पे कि अपने बारे में गलत सोचे, अपने बारे में गलत रास्ते अपनाए, अपने बारे में गलत किसी को सलाह दे, ये कभी संभव नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति को मेरा अपना एक अनुभव एक्सपीरियंस और 100% सटीक और सही है कि आप सोच लीजिए हर दिन एक बार कम से कम कि मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही बनूंगा। और मैं क्या सोचूंगा
अपने लिए, सिर्फ अपने बारे में बात कीजिए ना दोस्तों, छोड़ दीजिए दुनिया को। हर व्यक्ति सिर्फ अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए और अपनी पुरानी संस्कृति और पीढ़ियों को संजोए रखने के लिए, आने वाली हमारी पीढ़ियाँ वंशज उसी रास्ते पर चले जो हमारे पूर्वज चले थे, आप भी वैसा ही बनेंगे। स्टॉक मार्केट में भी ये नियम कानून लागू होते हैं। आप जैसा सोचेंगे, आप सोच लीजिए कि इस स्टॉक को, इस सेक्टर के इस स्टॉक को मैं एक दिन इंट्राडे में ज़रूर एक ही दिन में, एक ही घंटे में 1,00,000 कमाने वाला हूँ, 100% मेरा दावा है दोस्तों। हमने किया ऐसा तब मैं बोलता हूँ, मैं किसी की सुना हुआ बात नहीं करता दोस्तों। जो भी मैं आपको बात, आपसे बात करता हूँ, और ना कोई मेरी स्क्रिप्ट होती है, ये बात है, मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, आप जिस दिन सोच लिए, चलिए दोस्तों ये मौका वो तो बहुत दूर हो जाएगी, जिस दिन सोच लिए कि 1,00,000 रुपये एक दिन में, एक घंटे में कमाना है, इंट्राडे में आप कमा लेंगे, फ्यूचर में कमा लें, ऑप्शन में कमा लें, लेकिन सोचना ज़रूरी है। ये मौका बार बार नहीं आता है। क्यों ये बात मैं बोल रहा हूँ कि इस समय एक ही चीज़ जो स्टॉक का नाम, नाम भी स्टॉक का बताना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं बताते हैं, पूरा वीडियो जब देखेंगे तब मैं कहाँ बोल दूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, कोई मालूम नहीं रहता। चलिए मैं बता दूँ कि 2025 से पहले तो वादा कीजिए कि 2025 से पहले इस स्टॉक को नहीं बेचूँगा। वो कौन सा स्टॉक है तो लिख लीजिए, अडानी विलमार, दूसरा टाटा पावर, और तीसरा बताने से पहले मैं डरता हूँ दोस्त कि कहीं जितना मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन मैं बोल के रहूँगा, जी हाँ। और तीसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल अशोक लीलैंड, और टेक महिंद्रा, ये भी जान लीजिए। और बैंक का एक जो नाम लेने जा रहा हूँ वो है आपका यस बैंक। ये सभी के सभी 2025 से पहले मत बेचना दोस्तों, मत बेचना, मत बेचना। इतना देरी बने हुए हैं तो आपको एक गिफ्ट मैं आपको मैं देता हूँ, और कल के लिए, आप कमाई कर लीजिए, जितना कमाना है कमा लीजिए दोस्तों, जी हाँ कमा लीजिए, जो आपको जितना कमाना है। बलरामपुर शुगर मिल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।